के साथ वो रिश्ता और वो रिश्ता कैसे बना वो लहू से मगर परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसने तेरे पर चित लगाया और किसी खास वजह से तेरे को बाहर निकाला एमैन एमैन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिछले कुछ आ, हफ्तों से हम एक लिवाइथन स्पिरिट या दुष्ट आत्मा के बारे में हम उसके बारे में सीख रहे थे और उससे छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे आज हम और भी कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं जो लोगों को तंग करती है पीड़ित करती है उनके बारे में देखेंगे और उसमें से कैसे हमने छुटकारा पाना है उसके बारे में देखेंगे कितने लोगों को ये जो आपने पिछले हफ्ते और उससे पहले हफ्ते वचन सुना लिवाइथन स्पिरिट के बारे में कितने लोगों ने किसी तरीके का छुटकारा अपने शरीर में अपने लाइफ में अपने परिवार में देखा मैं हाथ देखना चाहूंगी ओके okay, ओके okay. ये जो लिवाइथन स्पिरिट है ये परिवारों में अशांति लाती है कितने लोगों ने अपने परिवारों में किसी तरीके की हीलिंग या शांति देखी मैं हाथ देखना चाहूंगी ईमैन एमैन कई बार हमें पता ही नहीं होता ये आत्माएं करती क्या है जब ये हटती हैं आशीष आता है फिर हमें समझ में आता है अच्छा ये तो दुष्टात्मा ने रोक के रखा हुआ था आज हम कुछ ऐसे और थोड़े से ऐसे कुछ दुष्ट आत्माओं के बारे में देखेंगे ये वचन हमेशा याद रखना है वो जो मेरे में है उससे सामर्थी है जो दुनिया में है परमेश्वर किसी भी दुष्ट आत्मा से ज्यादा सामर्थ्य है एक चीज जो मैं कुछ हफ्तों से देख रही हूं कि आ, काम कर रहा है ये लोगों के ऊपर जो तंग कर रहा है यह बंधन बना के रखा है वो है मैं कुछ सांपों की जो दुष्ट आत्मा है मैं वो देख रही हूं उनमें से एक है जिसका नाम है पाइथन स्पिरिट बोलते हैं उसको ये जो पाइथन स्पिरिट है ये जो पाइथन का जो सांप है ये डसता नहीं है ये लपेट लपेट के लोगों को लोगों की क्या बोलते हैं, जब आप किसी के ऊपर एक सपोज एक टाइट रस्सी से किसी को लपेट दो तो उसकी सांस बंद हो जाए उसका खून चलना बंद हो जाए तो ये जो पाइथन स्पिरिट है ये इस तरीके से लोगों को लपेट लपेट कर उनके अंदर से उनकी जान निकालती है कई बार ये दिखता है सांस लेने में परेशानी कई बार ये दिखता है लोगों के अंदर एक ऐसा महसूस होने लगना कि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते एक डिप्रेशन का फीलिंग कई बार जिन लोगों के ऊपर सांप का अटैक दिखता है जहां पर सांप का अटैक दिखता है कुछ लोगों को महसूस होता है पेट में सांप चल रहा है सिर के ऊपर सांप चल रहा है गर्दन के ऊपर सांप लपेटा हुआ है तो जब जब ये सांप का चीज किसी के ऊपर अटैक करता है किसी घर के ऊपर अटैक करता है उसका असर उनके ऊपर जरूर आता है या तो उनके शरीर के ऊपर उनके तबीयत के ऊपर या अलग अलग बातों के ऊपर क्योंकि वचन क्या कहता है शैतान आता है स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय चुराने के लिए मारने के लिए और खात करने के लिए तो अगर आपको सांप दिखता है तो वो किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में कोई ना कोई हानि या कोई ना कोई बुरा असर जरूर ला रहा है तो इसलिए आपको इस दुष्ट आत्मा से छुटकारे की जरूरत है एक दूसरा देखेंगे ये ऐसी दो दुष्ट आत्माएं हैं जो मुझे लग रहा है खासकर मुझे इसके बारे में आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे और ये कैसे लोगों के ऊपर असर लाता है इसके बारे में देखेंगे ये दो दुष्ट आत्माएं हैं एक है इनक्यूबस बोलते हैं इसको इनक्यूबस और दूसरा है सक्यूबस ये इनक्यूबस सक्यूबस आपको बाइबल के अंदर नहीं मिलेगा मगर इनक्यूबस और सक्यूबस जो बोलते हैं ना कई बार हमें कहानियां सुनने को मिलती हैं मगर ये चीजें एक्चुअली आत्मिक रेल्ब में सच होती हैं और इनके बारे में बहुत कुछ अलग बातें इन दुष्ट आत्माओं के बारे में इसके बारे में छूटने के लिए वचन में लिखा है मगर इनका नाम एस सच नहीं लिखा है इनक्यूबस और सक्यूबस जो इनक्यूबस वाली दुष्ट आत्मा है वो एक स्त्री का रूप लेकर सपनों में किसी व्यक्ति के ऊपर शारीरिक संबंध बनाकर उसके ऊपर दुष्टात्मा का असर लाता है और जो सक्यूबस दुष्टात्मा है वो आई एम सॉरी इनक्यूबस जो है एक पुरुष का रूप लेकर शारीरिक संबंध बनाता है और एक इंसान के ऊपर वो दुष्टात्मा काम करता है और जो सक्यूबस दुष्टात्मा है वो एक स्त्री का रूप लेकर किसी इंसान के ऊपर अटैक करता है और उन लोगों को सपने में जैसे कोई इंसान दिखेगा शारीरिक रिश्ता बनाता हुआ और ये चीज मुझे पता है कई लोगों के साथ होता है कई बार हमें पता नहीं होता ये कहाँ से हो रहा है क्या है इससे कैसे छुटकारा पाना है इसके बारे में हम आज देखेंगे ये इसलिए नहीं आता किसी के ऊपर क्योंकि यू नो you know, कई बार लोगों को लगता है मैं बड़ा ही आ, शायद अट्रैक्टिव हूं मैं देखने में बड़ा सुंदर हूं मैं बड़े डिमांड में हूं और कोई मेरे पूछे ना पूछे सपनों में एक अजीब सा आदमी आता है सपनों में एक अजीब सी औरत आती है उसके लिए मैं बड़े डिमांड में हूं कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि ये दुष्ट आत्मा है और अगर दुष्ट आत्मा आती है तो वो घात करने चोरी करने आपकी लाइफ में से कुछ ना कुछ निकालने को ही आता है ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं है जो आपका दोस्त है और आपसे बड़ा प्यार करता है ये अगर दुष्ट आत्मा आ रही है तो ये आपके प्राण के लिए आ रही है आपके प्राण को नरक में खींचने के लिए आ रही है आइए एक वचन में देखेंगे यूहन्ना दस का दस चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल परंतु केवल चोरी करने घात करने और नष्ट करने को आता है मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए और बहुत आयत से पाए परमेश्वर वो बहुत आयत का जीवन हमें देने आया है और अगर आपको लग रहा है ये जो दुष्ट आत्माएं रात को आपको दिखती हैं या वैसे दिखती हैं इनका कोई असर नहीं हो रहा ये गलत फहमी है कोई दुष्ट आत्मा आपका दोस्त नहीं है वो सिर्फ इसलिए आता है चोर किसी और काम के लिए नहीं केवल चोरी करने तेरे तुम्हारे आशीषों को चोरी करने घात करने तुम्हें मार डालने के लिए नष्ट करने के लिए आया है तो हम सीख जाएं इन सांपों और ये इनक्यूबस सक्यूबस जैसी दुष्टात्माओं से नफरत करना हम सीख जाएं इनको पाल के एक जैसे हम अपने घर में पालतू जानवर रखते हैं पालतू कुत्ते रखते हैं उस तरीके से पाल के ना रखें क्योंकि ये आपके जीवन में से कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं अब हम देखेंगे कि ये दुष्ट आत्माएं कैसे हमारे लाइफ में आती हैं या घुसती हैं। मती पांच उसका सताईस और अट्ठाईस तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यविचार ना करना परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे से व्यविचार कर चुका तो ये जो चीज है ये व्यभिचार के स्पिरिट से आता है अब व्यभिचार हम कई बार सोचते हैं अगर हमने किसी के साथ चक्कर चलाया किसी से बातें करी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया तो वो व्यभिचार है यहां वचन कहता है कि अगर तुमने किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखा भी तुमने व्यभिचार कर लिया ये दुष्ट आत्मा ये जो इनक्यूबस और सक्यूबस की दुष्ट आत्मा है ये किसी के जीवन में कैसे आती है अगर किसी के हस्बैंड या वाइफ के दिमाग में ऐसा भी आने लगे काश मेरी बीवी वो होती काश मेरा पति वो थोड़ा सा अमीर होता काश मेरा पति उसके जैसा होता या बिना बात के कहीं कोई वजह नहीं है अपने पति या पत्नी में खामियां सोचने लगे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है आपके हस्बैंड में या वाइफ में जो खामियां हैं नहीं बिना बात के आपका दिमाग उसी के ऊपर चले आपने व्यभिचार कर दिया ये इनक्यूबस या सक्यूबस की दुष्ट आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर हमला करती है और जब ये जो आत्मा है किसी के साथ जुड़ जाती है ये ऐसे जुड़ जाता है अब वो दुष्ट आत्मा आपका पार्टनर है आपका हस्बैंड या वाइफ नहीं है अब जैसे एक असली हस्बैंड या वाइफ किसी और आदमी या स्त्री को अपने पति या पत्नी के पास आने नहीं देगी ये दुष्ट आत्मा आपके हस्बैंड या वाइफ को आपके लाइफ में आपके साथ रहने नहीं देगी और हम सोचते हैं हमने क्या गलत किया सोचा अगर तुमने गलत आंखों से भी देख लिया तुमने पाप कर लिया पाप कर लिया तो दुष्ट आत्मा आकर अटैक जरूर करता है कई बार ये चीजें कुछ लोग बोलते हैं बार बार उनके दिमाग में ऐसी ही सोच आती है हस्बेंड के बारे में या वाइफ के बारे में गलत सोच ही आती रहती है ये क्या है ये दुष्ट आत्मा ऐसा करने देती है ताकि वो आपके साथ वो रिश्ता बनाए और आपकी शादी में उसको तोड़े या बाधा बनाए इसको बोलते हैं आत्मिक पति या पत्नी जिस लेवल तक आप अपने हस्बैंड या वाइफ या वैसे ही शायद आपकी शादी नहीं हुई है जिस लेवल तक आप गलत सोचते हैं या पाप करते हैं उस लेवल तक ये दुष्ट आत्मा आकर पकड़ती है कुछ लोगों ने ऐसे सपने देखे हैं कि ये दुष्ट आत्मा इनविटेशन देती है ऐसी कोई लग, मैंने सब कई बार हम इन सपनों को समझते भी नहीं हैं। शायद सपने में आपने देखा कोई औरत गुजर रही है और आपको थोड़ा नजर ऐसे करके मुस्कुरा के पीछे देखती है आप सोचते हुआ क्या शायद कोई लड़की मेरे पे लाइन मारने वाली है वाह नहीं एक दुष्ट आत्मा आपके आप पर लाइन मार रही है आपको गलत सोचने पे उकसा रही है और अगर आपने उसकी बातें सुनी तो वो आपके साथ जुड़ जाएगा और फिर वो आपका आत्मिक हस्बैंड या आत्मिक वाइफ बन जाता है और इस तरीके से वो आपकी आशीषों को तोड़ता है जिस लेवल तक आप गलत सोचने को तैयार हैं उस लेवल तक ये दुष्ट आत्मा अटैक करता है थोड़ा सा पाप की सोच रखेंगे आप देखेंगे थोड़ा बहुत आपके सपनों में गलत बातें दिखेंगी बैठ के गलत सोचते ही रहेंगे तो ये दुष्ट आत्मा और भी हावी हो जाती है तो आज हम अपने सोचों को देखें हम क्या सोचते हैं एक और तरीका जिससे यह दुष्ट आत्मा अंदर आता है गलत वीडियोस, गलत गाने सुनकर गलत बातें देखेंगे गलत बातें सुनेंगे तो यह दुष्ट आत्मा अंदर आएगा ही काफी नहीं है कि है बस गलत करने पे ही दुष्ट आत्मा अटैक करता है गलत सोचने पर देखने पर भी ये दुष्ट आत्मा अटैक करता है आजकल पांच साल छह साल के बच्चे भी ऐसे गलत पापों में गिर रहे हैं क्यों क्योंकि आज छोटे से छोटे बच्चे को भी गलत वीडियोस अवेलेबल हैं तो उनका दिमाग भी साफ नहीं रहता है और कई बार हम सोचते हैं हम बड़े यू नो हीरोइक हैं बड़े ही स्मार्ट हैं ग्रेट हैं क्योंकि सबसे बेकार बातें हमें पता है सबसे गंदी बातें हमें पता है कई लोगों को इस बात का गर्व है सोचते बहुत महान है मगर जितनी गंदगी आप जानते हो या देखते हो उतनी गंदगी ये दुष्ट आत्मा आपके लाइफ में भरेगी उतनी ही आपकी आशीषों को ये दुष्ट आत्मा ले सकती है गंदगी तो छोटा बच्चे को भी दिखा दो गंदगी वो अपने सिर में भी भर सकता है तो किस बात का घमंड है कि हमें गंदगी पता है आज माफी मांगे परमेश्वर मेरे मन को देख तीसरा तरीका इसको इसके लिए हम एक वर्ष देखेंगे इसी वर्ष को पांच का सत्ताईस अट्ठाइस उन्नतीस हमने सत्ताइस और अट्ठाईस पढ़ा हम उन्नतीस पढ़ेंगे यदि तेरी दाइनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंग में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए तो ये जो आंख है हमको नरक की तरफ खींच सकती है ये आंखें क्या देखती हैं हमें नरक की तरफ खींच सकती है तीसरा तरीका है जादू टोने से यदि कोई आपके ऊपर जादू टोना करे या आप किसी के ऊपर जादू टोना करें तो सपनों में आपको ऐसा दिखेगा कि वो आपके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं मुझे नहीं पता कई बार हमें पता नहीं ये कैसे आ रहा है ये भी एक तरीका है अगर कोई आपको जान पहचान या कोई भी आपको दिखे कि आपके साथ सपनों में शारीरिक संबंध बना रहा है ये इस वजह से हो सकता है हो सकता है कि वो आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है और क्या होता है ये दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती हैं मैं एक मेन वचन पढ़ना चाहूंगी उत्पत्ति छे उसका एक से आठ Genesis सिक्स वन टू एट जब परमेश्वर ने नू से बात करी थी और परमेश्वर एक जल प्रलय लाने को तैयार था पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए यह उससे पहले की कहानी है उत्पत्ति छे उसका एक से आठ फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं मन परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? मनुष्य की पुत्रियां हम इंसान हैं परमेश्वर के पुत्र कौन है स्वर्गदूत स्वर्गदूतों ने देखा कि इंसान सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया जिस जिस को चाहा तो स्वर्गदूत इंसानों से विवाह कर रही हैं तो ये जो चीज मैं आपको बोल रही हूं आत्माएं शादी कर लेती हैं ये कोई अजीब बात नहीं है ये वचन में पहले भी हो चुका है तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा मैं बार बार नहीं बोलता रहूंगा मत कर ये गलत है ये ऐसा कर क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है उसकी आयु 120 वर्ष की होगी इस जगह पे परमेश्वर ने जैसे नूह वगैरह हजारों साल या उससे पहले लोग बहुत लंबा जीते थे यहां पर परमेश्वर ने इंसान की जो आयु है 120 कर दिया उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी तो इनके द्वारा बच्चे पैदा हुए कई बार इन दुष्ट आत्माओं के द्वारा आत्मिक बच्चे भी पैदा होते हैं यहां पर तो असल में बच्चे पैदा हुए और उनमें पावर्स थी यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वे निरंतर बुरा ही होता है आप देख रहे हैं मन की सोच ये दुष्ट आत्मा और मन की सोच का कनेक्शन कुछ महीनों पहले आपको हमने एक परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी का वचन दिया था कि एक न्याय आने वाला है और वो न्याय इसलिए आने वाला है कि ये जो इंटरनेट या ऑनलाइन से कनेक्टेड जो पाप है करने का तरीके और भी बढ़ने वाले हैं और लोग इन पापों को और भी करेंगे इस वजह से परमेश्वर का न्याय आने वाला है नू के समय में सबसे पहले न्याय तभी आया था इस व्यभिचार के पाप के वजह से और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वे मन में अति खेदित हुआ ये चीज आप देख रहे हैं परमेश्वर ने ही जिसने मनुष्य को बनाया वही दुखी हो गया तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा क्या मनुष्य क्या पशु क्या रेंगने वाले जंतु क्या आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताया हूं परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नू पर बनी रही जो नू था परमेश्वर ने उसको एक क्या बोलते हैं दया की दृष्टि से देखा क्योंकि उसके अंदर ऐसा पाप नहीं था तो ये जो व्यभिचार का पाप है जो स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूत कौन से दुष्टात्माओं के साथ दिखते हैं परमेश्वर इन पापों से खुश नहीं है आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर हमारी मदद कीजिए ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये आपको सिर्फ आत्मिक रीति से नहीं खराब करते, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं शारीरिक रीति से भी इंसान के शरीर को गंदा करती है तो ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि अच्छा दुष्ट आत्मा ने अटैक कर दिया तो क्या बोलते हैं आत्मिक रीति से मेरे पास शायद उतना पावर नहीं है इन्होंने आपके शरीर को भी दूषित कर दिया है इन दुष्ट आत्माओं से तभी हमने और भी दूर रहना है अगर आप इन इन दुष्ट आत्माओं के साथ शारीरिक संबंध होते हुए दिखते हैं इसका ये मतलब है कि ये दुष्ट आत्मा आपके अंदर घुस गई है तीसरा तरीका या चौथा तरीका जिससे ये दुष्ट आत्माएं घुसती हैं वो है मूर्ति पूजा से अगर आपको सांप दिखते हैं तो ये मूर्ति पूजा के वजह से भी आपके ऊपर हमला कर रहे हैं पांचवा तरीका जिससे ये दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक कर सकती है आप किसके साथ उठते बैठते हैं आप किसके साथ अपने दिल के यू नो सोच विचार को बांटते हैं हर किसी के साथ हमने एक दोस्ती रखनी है हर किसी के साथ हाय हेलो प्रेम से हमने बात करना है मगर जैसा आज राहुल ने आ, भजन संहिता एक पढ़ा दुष्टों की संगति में मैं उठता बैठता नहीं हूं क्योंकि जिसके साथ आपने अपने दिल के बातें शेयर करी जिसकी दिल की बातें आप सुनने लगे या जिसके साथ आप यू you नो know, निरंतर उठते बैठते हैं बातचीत करते हैं उनके ऊपर जो दुष्ट आत्मा है वो आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है तभी आप कई बार देखेंगे वचन में बाइबल में जिनको भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया वो ऐसे लोग थे जो अलग थे अब्राहम को उसके परिवार से अलग बुलाया गया नू एक अलग रहता था बाकी सब उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि आप जिसके साथ उठते बैठते हैं उनके ऊपर जो है वो आपके ऊपर आ सकता है तो शायद आपको और कोई यू नो जरिया नहीं दिख रहा है जिससे ये दुष्टात्मा आपके ऊपर कैसे कई बार हम सोचते हैं मैं अभी तक तो ठीक ठाक चलता फिर रहा था एकदम से ये कैसे क्या होने लग गया एकदम से ये अटैक क्या होने लग गया थोड़ा ध्यान दो किसके साथ अपने दिल के हालचाल आप बांट रहे हो कहा कहीं वहीं से तो नहीं है छठा तरीका गलत प्रचारक अगर कोई प्रचारक जिसके अंदर ये व्यभिचार का स्पिरिट है हम उसके नीचे उसकी सेवकाई के नीचे अगर बैठें अगर उसके प्रचारों को रिसीव करें तो ये स्पिरिट हमारे ऊपर काम कर सकता है या कोई ऐसा प्रचारक है जो जादू टोना करता है तो ये स्पिरिट हमारे ऊपर काम करता है क्योंकि वो जब प्रचार करता है हम बोलते हैं आई रिसीव रिसीव का क्या मतलब है जो भी इस इंसान ने प्रचार किया बोला और इसके पीछे जो पावर है वो मैं अपने अंदर लेती हूं तो अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा भी है तो मैं वो लेती हूं वो एक तरीका है जिससे ये दुष्ट आत्मा काम करता है सातवां तरीका सदमे के द्वारा ट्रॉमा जो बोलते हैं कई बार हमारे लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं हमारे साथ बहुत ही गलत होता है खासकर जहां पे किसी के लाइफ में रेप्स हुए हों या कुछ भी आपके लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ हो जिससे आप शायद उभर नहीं पा रहे हैं तो क्या होता है आपके सोल के अंदर आपके प्राण के अंदर वो दाग वो चोट रह जाती है और अगर वो दाग और चोट से आप उभरते नहीं हैं हम इन दुष्ट आत्मा को एक जगह दे देते हैं तो ये एक सातवां तरीका है जिससे ये दुष्ट आत्मा हट सकती है हमने सीखना है ये मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूं कि आप जाने कि ये चीजें कहां से आ रही हैं ताकि ये आपके लाइफ में से निकल जाए गलत सोचों और फीलिंग्स के वजह से यह दुष्ट आत्मा आपके लाइफ के ऊपर काम कर सकती है ये कोई भी सांप की दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ में काम कर सकती है गलत सोच या फीलिंग कई बार कई लोग बड़ी जल्दी जलन खाते हैं बड़ी जल्दी जेलस होते हैं कई बार कुछ लोग हमेशा हर दूसरे के ऊपर गुस्से में रहते हैं कई बार कुछ लोग हमेशा बिटर रहते हैं बिटर मतलब कड़वे कोई और खुश है तो देखा नहीं जाता अब जैसे अब सपोज किसी की शादी हो के वो अपने परिवार के साथ बैठे हैं और मुस्करा रही है नहीं बहु मुस्करा रही है जल्दी पता चल जाएगा ज्यादा ही जल्दी पता चल जाएगा क्यों सुना रहे क्योंकि अंदर खुद दिल से कड़वे हैं क्योंकि खुद खुश नहीं है किसी और को खुश नहीं देख सकते जब हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स मतलब किसी और को देख के हमेशा मन की उसको दबाने का खींचने का उसकी किसी का बुरा करने का ऐसे फीलिंग्स अगर हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा हैं, ये एक सांप का जो अटैक है या पकड़ हमारी लाइफ के ऊपर बना देता है इसके बारे में देखेंगे प्रेरित के काम आठ के तेईस में क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित की सी कड़ाहट कला, और धर्म के बंधन में पड़ा है नहीं किस चीज के बंधन में एक बार और कड़वाहट कड़वाहट के पित्त की सी कड़वाहट बड़ा ही कड़वा पित्त सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है ये वचन शिमोन को बोला जा रहा है वह जब बोलता है मुझे पवित्र आत्मा ये गिफ्ट चाहिए कि मैं लोगों के ऊपर प्रेयर करूं और उनके ऊपर पवित्र आत्मा का गिफ्ट आ जाए तब परमेश्वर के चेले बोलते हैं तू कड़वाहट में बंधा हुआ है इसलिए तू ऐसी उल्टी सोच ही रखता है परमेश्वर के गिफ्ट को भी तू पैसे में खरीदना चाहता है इसलिए तू जादू टोने में अभी तक फंसा हुआ था कई बार लोग जादू टोने में क्यों फंसे होते हैं क्या हमारे परमेश्वर में सामर्थ नहीं है क्या हम जब बोलते हैं मांगोगे तो दिया नहीं जाता जब हम खटखटाते हैं तो खोला नहीं जाता और अगर ऐसा नहीं हो रहा हमने परमेश्वर के सामने आके पूछना है परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं हो रहा मगर कई बार लोगों को सिर्फ अपनी आशीषें नहीं दूसरे की आशीष छीननी है दूसरे को नीचे गिराना है क्यों क्योंकि अंदर से कड़वे हैं और जो ऐसा कड़वाहट रखता है जो ऐसा जलन का भाव रखता है वो जादू टोने में या इन सांपों के पकड़ में आ जाता है मगर हम इसमें से भी प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर मेरे दिल को चंगा कर मेरी सोचों को बदल जो आखिरी तरीका है जिससे ये सांप का दुष्टात्मा या ये जो इनक्यूबस सक्यूबस या ये व्यभिचार का दुष्ट आत्मा आता है वो है पीढ़ी पीढ़ी के श्रापों के द्वारा कई बार कुछ परिवारों में जब कोई गुजर जाता है वो इंसान उस परिवार के जनों को दिखता है कभी कभी शायद बहुत साल भी हो गए हों उसके बाद भी वो गुजरे हुए रिश्तेदार दिखते हैं क्यों दिखते हैं अगर हम बोलते हैं जेजेबेल का स्पिरिट जेजेबेल का स्पिरिट तो बहुत साल पहले पुराने नियम में एक रानी के ऊपर था मगर प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में अभी भी लिखा हुआ है वो जेजेबेल स्पिरिट आज भी काम करती है क्यों क्योंकि इंसान मर जाते हैं दुष्ट आत्माएं वहीं की वहीं रह जाती हैं, और उनको एक शरीर चाहिए तो इसलिए जो बीमारी दादा दादी नाना नानी उसके दादा दादी उसके नाना नानी को था वही बीमारी शायद हमारे अंदर भी हम उसको देखते हैं अगर दादा दादी गरीब थे हम भी गरीब हैं अगर दादा दादी गुस्से से भरे हुए लोग थे हम भी गुस्से से भरे हुए लोग हैं अगर दादा दादी की शादी नहीं चलती थी तो हमारी शादी भी नहीं चलती है क्योंकि हम उन दुष्ट आत्माओं को आने देते हैं कैसे आने देते हैं कभी सुना है तो बिल्कुल अपनी बुआ पे गई है सुना है तो बिल्कुल अपनी दादी की तरह बात करती है अगर हमें अपने दादा दादी नाना नानी मासी मामा किसी का भी किसी भी रिश्तेदार की तरीके मिल सकते हैं सोच मिल सकती है बोलने का तरीका मिल सकता है तो उनकी आत्माएं भी हमें इस वजह से मिल जाती हैं क्योंकि दुष्ट आत्माएं कैसे आती हैं जब हमारे दिल में पाप है जब हम उस तरीके के पाप करते हैं उस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से चलते हैं तो वही दुष्ट आत्मा जो पीढ़ी पीढ़ी पहले हमारे परिवार में किसी कोई किसी वजह से उनके हमारे परिवार में आया वही दुष्ट आत्मा आज हमारे लाइफ में एंटर कर रही है आज हम सोचे किसके बारे में हमें कई बार ऐसे सपने आते हैं जो गुजर गया है आज हम मांगे परमेश्वर मेरे लाइफ में जो जीने के तरीके हैं सोचे हैं कहीं उस मामा की तरह ना हो जिसके बारे में मुझे सपने आते हैं ताकि वो पीढ़ी पीढ़ी के श्राप मेरे ऊपर ना आ जाए कई बार हमें शारीरिक संबंध भी दिखते हैं इन सपनों में ये आत्मा घुस गई है इसलिए हम ध्यान दें इसलिए कई बार मुश्किल होता है इन पीढ़ी पीढ़ी के श्रापों से निकलना कि जैसी जिंदगी हमारे माता पिता के दादा दादी या नाना नानी की थी हमारी जिंदगी भी वैसी बनी रहती है क्योंकि हमने अपनी सोच को नया किया नहीं क्योंकि हम अभी भी उसी सोच को रखते हैं और ये आत्माएं घूमती रहती हैं और वो एक जगह ढूंढती हैं एक रास्ता ढूंढती है कहां से घुसे जैसे ही हमने कभी आई नो अगर किसी ने ऐसा उदाहरण देखा है कि नहीं जैसे मेरी मासी को कैंसर था ना इतना ये बच्चे मुझे सताते हैं मैं भी वैसे ही कैंसर से मर जाऊंगी बोलते हैं ना और एक दिन उसी रात को सोए और वही मासी सपने में हाय मैंने अपनी मासी को याद किया और मुझे मासी दिख गई नहीं आपने मासी के दुष्टात्मा को याद किया और वो आपसे आपकी लाइफ में जीने के लिए आ गई इसी तरीके से पीढ़ी पीढ़ी के श्राप आगे भी चलते रहते हैं ओके क्लियर अब इसको देखेंगे तोड़ना कैसे है इन दुष्टात्माओं से छुटकारा कैसे पाना है सबसे पहले तो अपने मन को तैयार करो मैंने ऐसे जीना नहीं है जैसे मेरी मां तड़प तड़प के जी थी मैंने ऐसे नहीं जीना जैसे मेरा पिता दारू पी पी के उसने अपनी जिंदगी निकाल ली हमें नहीं देखा मैंने ऐसे नहीं जीना सबसे पहले अपना मन हम ठान लें कि जैसे पहले हो चुका मुझे वैसा और नहीं रहना दूसरी चीज हम इस बात पे विश्वास करें कि परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के अंदर इतना सामर्थ है कि इन बातों को जो शायद पीढ़ी से चल रहे हैं या कहीं से भी ये दुष्ट आत्माएं आ गई हैं ये आपकी लाइफ के ऊपर से हट सकती हैं ऐ तैयार हैं चलो हम देखेंगे अलग अलग तरीके जिससे ये दुष्ट आत्माएं हटती हैं सबसे पहला है पापों की माफी मांगते हुए परमेश्वर का लहू लगाना है जो भी हम पाप करते हैं जो भी हमने गलत किया है आज तक हम परमेश्वर के सामने आए अगर कोई लिख रहा है नोट्स लिखो ये चाहे ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि आपको अभी याद आ गया हो गया या आप अपनी लाइफ में हर रोज इसको यूज कर सकते हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं और छुटकारे को देख सकते हैं पापों के लिए माफी मांगिए परमेश्वर से जो पाप आपने किए जो आपके आ, माता पिता दादा दादी नाना नानी आपके रिश्तेदारों ने किए उन सबके पापों के लिए माफी मांगिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर अपनी लहू से हम सबको परमेश्वर साफ कीजिए एक तरीका पापों से हटने का ये भी है जैसे मैंने आपको सक्यूबस और इनक्यूबस की बात बताई हम अपने हस्बैंड या वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं हमने वो बदलना है सिर्फ पापों की माफी नहीं हम कैसे अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ पेश आते हैं हमने वो भी बदलना है पिछले हफ्ते सारी स्त्रियां बड़ी दुखी थीं कह रहे थे सिर्फ हमें सुनाया कि पतियों की सुनो मैंने कहा वो तो बॉस की सुन के घर आ रहे हैं ना थोड़ी दया दिखा दो मगर वचन में यह भी लिखा है पतियों जो अपने पति के पत्नी के साथ अच्छे से पेश नहीं आते उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती खुश हैं अभी सारी स्त्रियां कोई कंप्लेन तो नहीं करेगा मेरे से बाद में हम कैसा व्यवहार रखते हैं अपने पति या पत्नी के साथ उसको हम बदलें आपको पता है एक एक्स्ट्रा शब्द काफी है किसका नाम लू मैं तेरा लू प्रिया आज तू बहुत खुशी के साथ वचन सुन रही है क्योंकि बहुत सालों के बाद आई है शायद तेरा नाम लेती हूँ क्योंकि तू लू तेरा नाम सपोज अब प्रिया प्रिया ऐसे करके देख रही है मैं इस वजह से तेरा नाम ले रही हूँ सपोज अब प्रिया को बोला ब्रदर ने बोला एक गिलास पानी लाना प्रिया क्या है मर जा जाके जब देखो कभी पानी कभी चाय दुष्ट आत्मा को न्योता दे दिया मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता उसका तो चक्कर चल रहा है पता है क्यों चल रहा है क्योंकि आपने दुष्ट आत्माओं को वेलकम दिया अपनी शादी में आज हम कैसे पेश आ रहे हैं देखो ये सिर्फ ये नहीं है अच्छा मैंने फिर अच्छे से बात करनी है एक बार हमने बदल दिया हमने बुरी तरीके से बात कर लिया उसके बाद अगली बार हमें याद आता है अच्छा ये लो चाय ले लो एक साल के बाद एक साल से प्रचार में सुन रहे हैं अपने पति के साथ अच्छे से पेश आओ एक साल तक हमने अपना ईगो दबाया ही नहीं पाए हम अपना घमंड ही नहीं पाए और हम बुरे तरीके से व्यवहार करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं और एक साल के बाद आज क्योंकि मेरा मूड अच्छा है लीजिए पति देव पानी लीजिए उसके बाद अभी तक पति चार पांच जगह पे चक्कर चला चुका है पास्टर जी प्रार्थना कीजिए मैं तो अपने पति से इतने अच्छे से बात करती हूं फिर भी पता नहीं क्या हो रहा हमारी शादी में क्योंकि आप उस लेवल तक बातों को जाने दे चुके हो या आपका पति उस लेवल तक बातों को जाने दे चुका है कि उस दुष्ट आत्मा ने आपकी शादी के ऊपर पकड़ बना लिया है तो जितना लेवल तक आप, आप जाने दोगे उतनी लड़ाई करने को आत्मिक लड़ाई लड़ाई नहीं लड़ाई करने को तो सब तैयार होते हैं उतनी आत्मिक लड़ाई करने को तैयार हो जाओ क्योंकि पहले वो दुष्ट आत्मा सिर्फ हाई बोलेगी और जो आ, जो आपकी शादी में आपके सपनों में वो दुष्ट आत्मा अब क्या है हाय से कई ज्यादा शारीरिक संबंध बना रही है ऐसा रिश्ता भी लोगों के साथ तोड़ना इतना आसान है तो उसी तरीके से दुष्टात्मा के साथ भी आपने ये लड़ाई में खड़ा होना है और ये जरूर आप जी आपको जीत मिलेगा Amen? जीत मिलेगा क्योंकि वो जो मेरे अंदर है उससे सामर्थी है जो दुनिया में है लुका दस उसका उन्नीस दूसरा पॉइंट है ये लुका दस का उन्नीस देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी समर्था पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर रोंदने का अधिकार दिया है तो अगर आपको कोई सांप दिख रहा है सपने में आपके घर के अंदर घुस गया आपके शरीर के ऊपर घुस गया आपके बच्चों के ऊपर घुस गया वचन कहता है मैंने तुम्हें उन्हें रोंदने का अधिकार दिया है अगली बार सपने में दिखे या प्रार्थना में दिखे या आपको कोई भी बात दिखे उसको मसीह के नाम से रोंदो और क्लेम करो परमेश्वर ये मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा क्योंकि आपका वचन कहता है कि ये कोई हानि नहीं पहुंचा सकता ये लड़ाइयां आपने खुद लड़नी है एक ले हैंड से सारी चीजें नहीं हो जाती ये बातें वचन की आपको खुद याद रखनी है अगली बार से थोड़ा रजिस्टर लाओ कितने कितने लोग वचन लिख रहे हैं हाथ देखना चाहूंगी चलो वेरी गुड जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा लिख रहे हैं मगर अगर आप सच में ये लड़ाइयां जीतना चाहते हो ये प्रचार लिखने के लिए भी मुझे कुछ घंटे लग गए तो मुझे नहीं पता कैसे आप इसको एक घंटे में सुनकर सारी बातें याद रखोगे इसमें से शायद एक दो पॉइंट याद रहेगा कभी कभी कुछ लोगों को सिर्फ जो के याद रहता है बाकी कुछ नहीं याद रहता फिर क्या करोगे एक रजिस्टर रखो वचन लिखो उस पे चलो फिर हम जय जीत को देखेंगे तीसरा पॉइंट मरकुस दस का नौ इसलिए जिसे परमेश्वर ने टेन नाइन सॉरी मार्क टेन नाइन हाँ जी पढ़िए इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम हो रहा है आप इस वचन को क्लेम कीजिए परमेश्वर आपने जोड़ा है कोई मनुष्य कोई दुष्ट आत्मा हमें अलग नहीं कर सकती घर में ऐसा रोते हुए घूमने की जगह मैं तो मर जाऊंगी मैं तो जाके सुइसाइड कर रही हूं मैं तो देखूंगी उसकी भी जिंदगी खराब करूंगी मेरी करी है उसकी भी खराब करूंगी देखती हूं कैसे शांति से सोता है ये सब बोलने की जगह क्या बोलना है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई इंसान अलग नहीं कर सकता क्योंकि इस वचन में पावर है वो जो दूसरे वचन हम बोलते हैं उसमें भी पावर है तो फिर वही होता है फिर सुइसाइड करने चले जाते हैं फिर आपकी शादी खराब हो जाती है फिर, फिर पति पत्नी कहीं और हम अपने बॉडी लैंग्वेज को ना भी बड़े हल्के से लेते हैं आदत है किसी के साथ खड़े भी हैं उसके साथ कितना डिस्टेंस बना के रखना चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सिर्फ कोरोना के टाइम पे नहीं वैसे भी बना के रखना चाहिए छः फुट की दूरी तब भी कोई नहीं मानता था जय मसी की जय मसी की पीछे से भी हो सकता है अपने हाव भाव को हम बदलें इन पापों को अंदर से निकालें चौथा है वाचाएं तोड़िए चाहे आपने बनाई हैं या नहीं यीशु मसीह के नाम में उन वाचाओं को तोड़ो कई बार जब हम वाचाएं वाचाएं क्या होती हैं शादी की वाचाएं होती है जब हम शादी करते हैं हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं हम परमेश्वर के सामने कबूलते हैं कि मैं इसके साथ अपने बाकी की जिंदगी जीऊंगा या जियूंगी उसको एक वाचा बोलते हैं परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं ऐसा करूंगा सब लोगों के सामने मैं ऐसा करूंगा और फिर क्या होता है अगर गलती से भी आपने अपने कमरे में हम अगर ऐसा सोचने लग गए काश मेरी शादी उससे हुई होती कोई नाम बताओ मुझे रोहन काश मेरी शादी रोहन से हुई होती और कोई मुझे पंजाब का नाम बताओ पाश का फेवरेट शिंदे काश मेरी शादी शिंदे से हुई होती मैं ऐसा वाला लहंगा पहनती आपने मन में शादी कर ली अब सपने में या तो शिंदा दिखेगा या रोहन या कोई और दिखेगा और लोग को कभी कभी सपनों की दुनिया में जी जाते हैं सामने पति है सामने पत्नी है उसको नहीं देखना अब शिंदा आ रहा है सपने में क्यों तूने अपनी सोच में पाप किया तो ये दुष्ट आत्मा आके पकड़ गई उसके पीछे पीछे ये दुष्ट आत्माएं क्या क्या लाती हैं हमें कई बार उसका अंदाजा भी नहीं होता क्योंकि दुष्ट आत्मा आके थोड़ी ना बताएगी देख मैं तेरे पैसे ले गई देख मैं तेरे बच्चा तेरा बच्चा ले गई देख तेरे बच्चे के ऊपर मैं बीमारी डाल रही हूं शैतान आता है घात करने चोरी करने और नष्ट करने इसके अलावा और किसी वजह से नहीं आता आपको एंटरटेन आपको खुश रखने नहीं आता वो अगर वो आया है कुछ ना कुछ वो जरूर आपकी लाइफ से लेके जा रहा है हमने अगर ऐसी वाचाएं बांध ली अगर शादी से पहले शायद किसी को कोई बॉयफ्रेंड था गर्लफ्रेंड था उसको हमने एक अंगूठी दे दी कड़ा बना के दे दिया ये हमारे रिश्ते की निशानी है वो निशानी सिर्फ शरीर पे नहीं आत्मिक स्तर पर भी बन गई है और अगर हमने ऐसी चीजें शादी से पहले कर ली हैं, तो शादी के बाद भी जो हमारी शादी है किसी और से अगर हम कर लें वो शादी फिर चलती नहीं है क्योंकि हमारी शादी आत्मिक स्तर स्थर्प, पे किसी और से हो चुकी है तो अब हम इस नए वाले जिससे एक्चुअली शादी करी है हम चला नहीं पाते क्योंकि मन में तो हमने किसी और से शादी कर ली इन वाचाओं को यीशु मसीह के नाम से तोड़ो आज याद करो किस किस के साथ मन में हमने शायद वाचा बांधी हो मुंह से बोल के शायद हमने ऐसी शादियां करी हों अपने सोचों से ऐसी शादियां करी हों आज उनको यीशु मसीह के नाम से तोड़ो मैं चाहती हूं ये जो मैं अभी बाकी के पॉइंट्स बोल रही हूं आप सब प्रार्थना के हालत में रहिए मैं जैसे जैसे एक एक पॉइंट बोल रही हूं मैं चाहती हूं आप उन पॉइंट्स को रिपीट करते हुए प्रार्थना कीजिए क्योंकि ये अभी मेरे पास अराउंड ग्यारह पॉइंट्स हैं और मैं इन ग्यारह को बाद में रिपीट नहीं कर पाऊंगी तो जैसे जैसे मैं अभी बोल रही हूं मैं चाहती हूं कि हम प्रार्थना की हालत में रहें और इन पॉइंट्स को इन बातों को करते रहें किसी को पेपर की जरूरत है पेपर चाहिए किसी को कुछ लिखने के लिए मैं यहां से दे सकती हूँ कोई दे सकता है आपको पेपर चाहिए हाथ दिखाइए किसी को पेपर चाहिए तो नहीं ठीक है फिर जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ आप मेरे साथ साथ उन प्रार्थना को करते जाइए सबसे पहले है पापों की माफी परमेश्वर के लहू से हमने सफाई मांगनी है दूसरा है लू का दस का उन्नीस हमने बोलना है इन दुष्टात्माओं के ऊपर परमेश्वर आपने मुझे अधिकार दिया है इनको मैं रोनता हूं तीसरी बात है जो परमेश्वर ने साथ में रखा है उसको कोई नहीं तोड़ सकता मार्क टेन नाइन मरकुस दस का नौ चौथा है फोर्थ ऐसी कोई भी हमने किसी के साथ वाचाएं बांधी हैं कई बार हम आ, यू नो अगर बिजनेस भी कर रहे हैं किसी के साथ हमने आ, यू नो आ, डील कर ली या उसके साथ एक आत्मिक स्तर तक हम जुड़ गए हैं इससे भी दुष्ट आत्माएं आती हैं तो इन सब वाचाओं को ये जो सारे कनेक्शन हैं इनको यीशु मसीह के नाम से आज तोड़िए जैस पांचवा पॉइंट है जैसे एलिया ने आग बुलाई जैसे एलिया ने आग बुलाई परमेश्वर का आग जो सब चीजों को जलाकर नष्ट कर सकता है परमेश्वर के उस आग को अपने ऊपर बुलाइए जो भी सांप जो भी दुष्ट आत्माएं आपको दिखती हैं या आपको तंग करती हैं या आपकी शादी में चली है आपके परिवार में चल रही हैं बोलिए परमेश्वर तेरा आग उन दुष्टात्माओं को जलाए मेरे पीछे बोलिए परमेश्वर तेरा आग उन दुष्ट आत्माओं को जलाए उन सांपों को जलाए उन वेदियों को जलाए वेदी क्या है अगर आपने कहीं और पूजा करी कहीं और दान चढ़ाया उसका असर अभी भी आपके ऊपर आ रहा है उन वेदियां भी जले आज प्रार्थना कीजिए वो वेदियां भी जले छठा पॉइंट है वचन कहता है परमेश्वर यीशु मसीह हमारा पहला पति है तो हो सकता है इन दुष्टात्माओं ने आपकी लाइफ में वो एक पति या पत्नी का स्तर रख लिया है जगह रख ली है मगर आज आप परमेश्वर को बोल सकते हैं आपका वचन कहता है कि आप मेरे पहले पति हैं तो इन दुष्टात्माओं को मेरे लाइफ से भगाइए यशाया चौवन उसका पांच आइजाया फिफ्टी फोर फाइव क्योंकि तेरा कर्ता कर्ता मतलब तुझे बनाने वाला क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है वो सारे पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा हमें बनाने वाला हमारा परमेश्वर हमारा पति है हम उसकी दुल्हन हैं, और वो हमें छुड़ाएगा यही यसाया के चौवन के पांच में लिखा है तो आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर हर ऐसा इनक्यूबस हर ऐसा सक्यूबस हर ऐसी दुष्ट आत्मा जो आत्मिक पति या पत्नी मेरे लाइफ में बना हुआ है इसके पकड़ को मैं तोड़ती हूं बोलिए मेरे पीछे हर इनक्यूबस हर सक्यूबस हर ऐसी दुष्ट आत्मा को इसके पकड़ को मैं तोड़ती हूं यीशु मसीह के नाम से क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप मेरे पति हैं इनका मेरे लाइफ में कोई हक नहीं है इनको यीशु मसीह के नाम से भगाती हूं ए अगला हम देखेंगे जो पीढ़ी पीढ़ी के श्राप इनको खासकर कैसे तोड़ते हैं शायद आपके पिता को किसी तरीके की बीमारी थी आज आपके बच्चे के अंदर वो बीमारी आपको दिख रही है इन श्रापों को कैसे तोड़ा जाता है सबसे पहला वचन है वचन कहता है वो श्रापित बना ताकि मैं आशीषित बनूं। यीशु मसीह क्यों क्रूस पे मारा गया वो एक श्रापित मृत्यु जिया ताकि हमारे ऊपर से श्राप टूटे दूसरा उसी के नीचे पीढ़ी पीढ़ी के श्राप तोड़ने के लिए है यही येजिकल 16 उसका एक से छियल सिक्सटीन वन टू सिक्स फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा हे मनुष्य के संतान यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे और उससे कहे हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यो कहता है अब परमेश्वर यहां यरूशलेम या अपने अपने लोगों से अपने इज़राइल से अपने बच्चों से बात कर रहा है और वो ऐसा कहता है हे hey यरूशलेम प्रभु यहोवा तुझसे यो कहता है तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई तेरे पिता तो एमोरी और तेरी माता हितती थी मतलब तू ऐसे जगह में ऐसे परिवार में ऐसी सोच में पैदा हुआ जो पाप की सोच थी जो एक गलत सोच थी जो मेरे नाम को नहीं मानती थी जो मेरे वचन को नहीं मानती थी ऐसी जगह में से पैदा हुआ तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हितिन हितन थी तेरा जन्म ऐसा हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन ना तेरा नाल काटा गया और तु, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई ना तेरे कुछ लोन मला गया और न तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई जब एक बच्चा पैदा होता है उसको इसके माँ के इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अम्बलिकल कॉर्ड, हिंदी में नाल पंजाबी में क्या बोलते हैं जिससे बच्चा जुड़ा हुआ होता है नाड़ तो यहां पे इस वचन में लिखा है उससे तुझे काटा नहीं गया तुझे साफ नहीं किया गया इसका मतलब है जो तेरे ऊपर पीढ़ी पीढ़ी से जो तेरे माता पिता के ऊपर श्राप थे पाप थे उसका असर अभी भी तेरे ऊपर है अभी भी तेरा वो जो सोल्ट आए है उनके साथ बना हुआ है उनके ऊपर जो पाप और श्राप थे वो अभी भी तेरे ऊपर असर ला रहे हैं ना तुझे नमक से या तेरे ऊपर वो जो गंदगी थी साफ करी गई मतलब जब तू परमेश्वर में आया जब तू पैदा हुआ तेरे ऊपर से ये गंदगी किसी ने हटाई नहीं इन पापों और शरापों की गंदगी किसी ने हटाई नहीं और और न तो कुछ कपड़ों में लपेटी गई किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाए वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई कई बार हमारी आत्मिक हालत क्यों ऐसी है क्योंकि शायद किसी ने हमारे लिए प्रार्थना नहीं करी शायद किसी ने आत्मिक रीति से हमारा ख्याल नहीं रखा शायद किसी ने हमारे लिए प्रार्थना नहीं करी कि परमेश्वर इस बच्चा के ऊपर जो भी श्राप है वो तोड़ दिए जाए परमेश्वर मुझे मेरे पापों के लिए माफ कर ताकि मेरे बच्चों पे श्राप ना पड़े तेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया तेरी आत्मिक हालत ऐसी थी जैसे किसी बच्चे को एक मैदान में फेंक दिया जाता है जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा तब मैंने तुझे तुझसे कहा हे लहू में लौटती हुई जीवित सॉरी हे लहू में लौटती हुई जीवित रह हा तुझ ही से मैंने कहा हे लहू में लौटती हुई जीवित रहे परमेश्वर आज ये वचन जिसकी भी ऐसी हालत है शायद आपके लिए प्रार्थना नहीं करी गई परमेश्वर आज आपके लिए ये वचन बोलता है कि जीवित रहे फिर मैंने तुझे खेत के पौधे के समान बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते आई थिंक एक से एक से छ बोला था मैंने हाँ जी तो जब हमारी हालत ऐसी थी परमेश्वर ने उस हालत से उठाकर हमें साफ कर दिया आज अगर आपके दिल पे ऐसा आपको लग रहा है किसी ने मेरी परवाह नहीं करी किसी ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं करी किसी ने मेरे पा श्रापों से मुझे छुड़ाया नहीं आज परमेश्वर आपको बोलता है मैं तुझे साफ करता हूँ जो पीढ़ी पीढ़ी के श्राप हैं आज मैं तुझे ले लेता हूँ और तेरे ऊपर से वो सफाई करता हूँ वो जो नाड़ू थी उसको मैं काटता हूँ वो जो नाड़ू जिससे वो पीढ़ी पीढ़ी के शराप आ रहे थे उसको मैं आज काटता हूँ यीशु मसीह के नाम से कभी कभी हम कहाँ गलती कर जाते हैं हमें पता होता है शायद मेरे माता पिता नाना नानी दादा दादी ने पाप कर रहे थे हमें आज भी पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं मगर आज भी शायद वो नाड़ू जुड़ा नहीं हुआ आपको आपके माता और पिता सॉरी माता के साथ मगर मेंटली वो नाड़ू जुड़ा हुआ है तो चाहे वो पाप करके गिर भी रहे हैं हम उनके साथ ही उनकी सोचों में हां में हां मिलाकर गिरने को तैयार हैं। आज हम ये प्रार्थना करने को तैयार हों परमेश्वर उस नाड़ू को मैं काटता हूं चाहे मेरे माता पिता नाना नानी दादा दादी मासी चाचा चाची कोई भी पाप करे मैं वो नाड़ू को उनके साथ काटता हूं मेरा उनके साथ कनेक्शन नहीं मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि चाहे आपकी माँ पूरी तरीके से गलत भी करगी क्यों ना रहे हों कई बार हमें अपने माँ के ऊपर हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम इतना प्यार करते हैं क्योंकि जिंदगी में और कोई आपकी शायद माता या पिता से ज्यादा आपसे प्यार ना करता हो अगर वो चाहे गलत भी कर रहे हैं हम सोचते नहीं नहीं मैंने तो उसका ही साथ देना है नहीं हमने सबसे पहले अपने आत्मिक पिता परमेश्वर का साथ देना है आज हम उन नाड़ुओं को काटने को तैयार हूं जो हमें पाप में खींचते हैं आठवां पॉइंट नीति वचन छ उसका इकतीस आइए मेरे पीछे बोलिए हम प्रार्थना करेंगे कि ये नाड़ू कटे बोलिए पिता परमेश्वर मैं आपके सामने आती हूं हर ऐसा पाप हर ऐसा पीढ़ी पीढ़ी का श्राप हर ऐसी पीढ़ी पीढ़ी की गंदगी मेरे ऊपर से साफ की जाए आप साफ कीजिए उन गलत नाड़ुओं को काटिए यीशु मसीह के नाम से आप श्रापित बने मेरे इस श्राप को आप उठा लीजिए यीशु मसीह के नाम से आमेन आठवें पॉइंट पे हम जाएंगे नीति वचन छ का इकतीस प्रोवर्ब सिक्स थर्टी वन तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको सात गुना भर देना पड़ेगा वर्णन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा मैन इसको मैं एक बार और पढ़ूंगी सॉरी तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसे सात गुना भर देना पड़ेगा एक बार आपने इस दुष्ट आत्मा को पकड़ लिया ना जो जो आपकी आशीषें उसने चुरा ली आज तक उसको सात गुना वापस करना पड़ेगा चाहे आपके पैसे चुराए हों चाहे आपके बच्चे की सेहत चुराई हो चाहे आपकी ऑपरचुनिटीज चुराई हो चाहे आपकी शादी की जो आशीष है जो खुशी है चुराई है अब आपने इस शैतान को पकड़ लिया आपने आप क्लेम कर सकते हैं वचन से कि जो जो मेरी आशीष ली गई है मुझे वो सात गुना वापस चाहिए वरन अपने घर का सारा धन भी देना पड़ेगा शैतान ने जो जो पकड़ के रखा है उसने वापस करना पड़ेगा एक बार मुझे याद है आ, हमारे घर में मैं देख रही थी एक फाइनेंस का जो फ्लो है मैं देख रही थी हो नहीं रहा था कि जो पैसे आने थे वो आ नहीं रहे थे तो मैं बैठ के प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने ऐसे मुझे दिखाया कि एक कमरा है जहाँ पर काफ़ी सारा धन और यू नो कुछ बात चीजें पड़ी हैं और उसके दरवाजे के सामने एक सांप बैठा हुआ है और मैंने इस तरीके से प्रार्थना करी परमेश्वर उस सांप को मैं अभी कुचलती हूं यीशु मसीह के नाम से तेरे आग से इसको जला दे बड़ी ही जल्दी मेरे लाइफ में जो जो पैसे रुके हुए थे वो आ गए जब हमारे हमारे पास पैसे की कमी होती है आशीषों की कमी होती है हम हड़बड़ा जाते हैं ये करूं वो करूं ऐसा करूं वैसा करूं इससे मांगू उससे मांगू थोड़ा सांस लें अगर वो कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा अगर नहीं आ रहा कोई तो बात है वो बात पूछो परमेश्वर से क्या है और अगर आपकी कोई आशीष शैतान ने आके चुरा ली आपके बच्चे की तबीयत चुरा ली आज उस दुष्ट आत्मा को अपने पैर के नीचे पकड़ के रौंद के बोलो सात गुना वापस कर ये उदाहरण मैंने आपको दिया है एक टाइम पे मैंने मैं बच्चों के लिए बहुत सारे क्लिप लाई थी और धीरे धीरे वो सारे क्लिप मुझे दिखे ही नहीं मेरे घर पे और मुझे लगा ये क्लिप सारे कहाँ चले गए और मैं ये बात सोच ही रही थी और मैं आ, पता नहीं कहाँ से मैं एक प्रचार सुन रही थी या एक बात ये वचन मैं सुन रही थी कि जो कुछ खोया है वो शैतान को तुझे वापस करना ही पड़ेगा तो मैंने प्रार्थना करी और फिर मैं अपने मन में सोच रही थी क्या ये क्लिप वापस आ जाएंगे मेरे पास और ऐसे करके अपने मन में सोच ही रही थी शाम को मैं चर्च आई और आप ही में से किसी एक ने एक क्लिप्स के पैकेट को मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट किया तो जो शैतान चुरा ले गया परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से वापस दे देगा हमारे घर से ना जब पैसा अगर कई कई बार हम इन बातों को छोटा समझते हैं अच्छा ये मिक्सी खराब हो गई ये चीज खराब हो गया इस चीज पे पैसा चला गया ये बातें छोटी नहीं हम इन बातों को नजरअंदाज नहीं करते हैं क्योंकि शैतान ने अगर आशीष ले ली है उसे वापस करना ही पड़ेगा आज आपके लाइफ से क्या आशीष चली गई है इस वचन को क्लेम कीजिए सात गुना सात गुना आपको वापस मिलना चाहिए आइए प्रार्थना करेंगे आपको जो भी ऐसी बात याद आती है कि आपका चुरा लिया शायद आपकी जिंदगी के बड़े साल चुरा लिए शैतान ने आप आशीषों की वेट करते ही रहे करते ही रहे करते रहे आशीष आई नहीं आज आप प्रार्थना करो सात गुना जो आशीषें आनी थी वो आएंगी बोलिए पिता परमेश्वर मैं आपके सामने आती हूं मेरी ये जो आशीष है शैतान ले गया मुझे इसका सात गुना वापस मैं क्लेम करती हूं यशु मसीह के नाम से आमेन नौवा पॉइंट स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ ओबीडियंस सबसे छोटी से छोटी बात में हमने ओबे करना है या कहना मानना है नामान को बोला जाके पानी में डुबकी मार वो कहता है इतनी सारी अच्छी नदियां मेरे शहर में माना ना मार मगर जब उसने डुबकी मारी तो उसने चंगाई देखी कई बार हमें लगता है ये जो बात हमें बार बार सुनाई दे रही है ना ये कर ये कर ये कर ये कर हम उसको नजरअंदाज करते रहते हैं कल करेंगे परसों करेंगे बाद में करेंगे कौन सी बड़ी बात है मगर कई बार वो जो छोटी बात हमने माननी होती है हम जब उसे मानते हैं तब हमारा छुटकारा होता है आज परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है शायद कह रहा होगा फेसबुक अपने फोन से डिलीट कर शायद कह रहा होगा इंस्टाग्राम अपने फोन से डिलीट कर शायद कह रहा होगा कोई ऐसा कांटेक्ट है उसको ब्लॉक कर शायद कह रहा होगा वो जो तेरे कबड़ में जीन्स पड़ी है ना बहुत टाइट है उसको फेंक दे पड़ोसी को दे दे क्या कह रहा है परमेश्वर आपसे जो आपको शायद आप कह रहे हो छोटी सी बात है कर दूंगा कभी तो कर लूंगा शायद किसी बात के लिए बोल रहे अपनी सोच को बदल कर देंगे अरे मैं दिल का बहुत अच्छा हूं कभी ना कभी तो कर ही दूंगा तो कभी ना कभी आगे जाके ही आपका छुटकारा होगा आज के आज सुनेंगे तो आज ही के आज छुटकारा हो जाएगा इतना टाइम किसके पास है तो ये पॉइंट आप अपने पास रख लीजिए आपके पास आ गया होगा मन में दसवा पॉइंट वचन ऐसा कहता है कि जैसे तेरा प्राण उन्नति करेगा तू उन्नति करेगा एज योर सोल prospers, सो शैल यू प्रॉस्पर जिस तरीके से तू सोच रखेगा उस तरीके से तू उन्नति करेगा अगर तू हमेशा बोलेगा मैं तो जिंदगी का हारा हुआ हूं मैं तो एक बेचारा दबा हुआ आदमी हूं हम तो बेचारे हैं इन्हीं को सब आशीष मिलती है हम तो सीधे साधे हम किसी को कुछ बोलते नहीं हैं हमारी जिंदगी तो ऐसी आए थे ऐसी चले जाएंगे जैसी सोच वैसी जिंदगी दिल में अगर हमेशा किसी को देखकर गुस्सा है इसी को सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं हमारे पास तो पता नहीं परमेश्वर हमारी सोचता भी है सारे अच्छे सूट इसी के पास हैं घर भी देख लो हमें क्या मिलता है बचा कुचा जैसी सोच वैसी जिंदगी ऐसा क्यों ना सोचे परमेश्वर शायद आज मेरे पास नहीं है मगर मुझे विश्वास है कल तू मुझे देगा मांगोगे तो दिया जाएगा और अगर वचन पूरा नहीं हो रहा उसका वचन झूठा नहीं है उसका वचन सच्चा है अपने दिल को बदलें अपनी सोच को बदले आज तक मैं तो कुछ कर नहीं पाया बेटा तू ही कर ले वो बड़ा होकर आज तक नहीं कर पाया तो ऐसी गारंटी क्यों है कि कल भी नहीं कर पाओगे क्या आप परमेश्वर के बच्चे नहीं हो क्या आपको परमेश्वर ने ये वायदा नहीं दिया मांगो के तो दिया जाएगा तो क्यों आपका बेटा ही करेगा आप क्यों नहीं करेंगे क्या बोल रहे हैं सही बात है कई बार माता पिता अपनी जिंदगी निकाल लेते हैं मेरा बेटा करेगा बड़ा होकर कई बार ऐसा ही होता है बेटा ही करता है आपकी जिंदगी तब तक निकल जाती है जैसी सोच वैसी जिंदगी आज हम प्रार्थना करें हमारा मन उन्नति पाए और ये लास्ट पॉइंट है इस पर हम खत्म करेंगे ये ग्यारवा पॉइंट है जिसने लिखा नहीं आपको कोई अंदाजा नहीं है बाकी के दस क्या थे चलो ग्यारवे पॉइंट पे जाएंगे यशाया आइजाया सिक्सटी वन वन टू थ्री यशाया यशाया इकसठ उसका एक से तीन परमेश्वर ने क्या बोला राइट इट ऑन टैबलेट्स जो परमेश्वर ने वायदे दिए थे उसने बोला उनको आ, क्या बोलते है? पत्थर के उस पर लिख दो ताकि जो देखे उसके साथ भाग पाए कम से कम हम किताबों पे तो लिख सकते हैं ताकि जो परमेश्वर कह रहा है हमें याद रहे और हम भाग पाएं या शाया इकसठ एक, एक से तीन प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है परमेश्वर की आत्मा हम सब के ऊपर है उसका अभिषेक हम सब के ऊपर है उसका अभिषेक क्या क्या कर सकता है खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा हम जो कैदी बन चुके हैं इस दुष्टात्माओं के हम जो बंधी हैं हम छूट सकते हैं उसके अभिषेक के द्वारा तो आज कोई भी ऐसी बात आपको अगर बांध के रखी है शायद गरीबी की सोच ने आपको बांध के गरीब रखा है शायद जलन की सोच ने आपको दुष्टात्माओं के गिरफ में रख लिया है शायद आपको कड़वाहट ने गिरफ में रख लिया है शायद व्यभिचार के पाप ने आपको ऐसे बांध लिया है कि आपको समझ नहीं आ रहा कैसे निकले आज उसका अभिषेक आप अगर मांग लें वो इन सब बंध बंधनों को तोड़ सकता है आगे पढ़ेंगे कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर कि राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का उड़ना उड़ाऊं उड़ू सॉरी ओडाऊं जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो परमेश्वर के अभिषेक के वजह से वो आपको एक सुंदर पगड़ी आपका रोना दूर कर सकता है और आपके सिर पे एक सुंदर पगड़ी ला सकता है वो आपके राख को दूर करके जो आपको लगता है मेरी लाइफ पूरी खत्म हो गई है जल कर खत्म हो गई है उसको हटाकर वो एक सुंदर पगड़ी डाल सकता है और आपकी उदासी को हटाकर यश दे सकता है किन बातों में आपको लगता है मैं हारता ही रहता हूं हारता ही रहता हूं मेरी जिंदगी में एक हारा हुआ हूं उसका अभिषेक मांग लो आप जीतोगे उसका अभिषेक मांग लो आप जीतोगे उसका अभिषेक मांग लो आप जीतोगे मैन जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष या होवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो जब हम आशीषित होंगे परमेश्वर की महिमा होगी ए तो आखिरी पॉइंट है परमेश्वर से उसका अभिषेक मांग लो उसके अभिषेक के द्वारा ये जो हर दुष्ट आत्मा है हर सांप की दुष्ट आत्मा है हर इनक्यूबिस हर सक्यूबिस हर ऐसा सांप जिसने आपके लाइफ को बांध के रखा हुआ है उसके अभिषेक के द्वारा सभी बंधन टूटते हैं यीशु मसीह के नाम से आमेन आइए हम प्रार्थना करेंगे हा थैंक यू फादर थैंक यू वह वर्शिप टीम आ जाइए परमेश्वर हम इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन सब बातों को परमेश्वर ये अपने लाइफ में छुटकारे के रूप में देखने वाले बने जिनके ऊपर भी ये बातें हैं परमेश्वर जिन भी लोगों को ये बातें बांधी हुई हैं परमेश्वर इनके ऊपर से वो चीजें टूटे हर इनक्यूबस सक्यूबस की आत्मा परमेश्वर हर व्यभिचार की दुष्टात्मा परमेश्वर हर पाइथन स्पिरिट परमेश्वर हर सांप की दुष्टात्मा परमेश्वर तेरे लोगों के ऊपर से हटने वाला बने वो छुटकारा मांगते हैं वो आशीष मांगते हैं इनकी शादियों में जिन शादियों में परमेश्वर रिश्ते खराब हैं जिन शादियों में एक पति और पत्नी का स्थान इन दुष्टात्माओं ने ले लिया है उन शादियों को छुड़ाइए परमेश्वर उन शादियों को छुड़ाइए परमेश्वर आप जब इस प्रार्थना को करेंगे आप अपने शादी के रिश्ते में एक नयापन देखने वाले हैं एक नया प्यार देखने वाले हैं एक नई खुशी देखने वाले हैं उस डर को आपके लाइफ से हटा दीजिए परमेश्वर हम इनकी शादियों के लिए प्रार्थना करते हैं आपके आशीष का हाथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमेन